और बड़ी खबर आज प्रदेश में है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के 6000 से ज्यादा पेट्रोल पंप आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप्स पर वाहनों की कतार लगी रहे और आज से पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं। वैट कम करने को लेकर RPDA यानी कि राजस्थान पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। आज और कल 14 सितंबर को आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक भी यहां पर पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं। मांगे नहीं मानने पर 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान है। तो आज और कल आपको बता दें कि हड़ताल का ऐलान किया गया है। तमाम जो पेट्रोल पंप्स हैं 6000 से ज्यादा वो सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक बंद रहने वाले हैं। और देखिए क्या कुछ हालात पैदा हो रहे हैं पेट्रोल पंप संचालकों के हड़ताल के बाद से, वो जानते हैं। हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, दो दिनों का पेट्रोल पंप संचालकों का हड़ताल है, अब इसका असर कैसा देखने को मिल रहा है? जो आमजन है उन पर कितना असर है, कितने परेशान हो रहे हैं? देखिए, राजस्थान में दूसरे राज्यों की तुलना की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वेट है पेट्रोल डीजल पर, यानी कि 31% वेट है वो पेट्रोल पर वसूला जाता है और 19% से ज़्यादा वेट डीजल पर वसूला जाता है। और यदि हम जयपुर से और श्रीगंगानगर जाते हैं तो पेट्रोल डीजल की दामों के अंदर 10 से 15 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। और पंजाब में यदि हम अपनी गाड़ी को फुल टैंक कराते हैं तो उसमें भी इतना ही डिफरेंस आता है। और राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन लगातार ये मांग कर रहा है कि पंजाब के समान वेट राजस्थान में किया जाए। देखिए, वेट ज़्यादा होने का जो असर है उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो 3 श्रेणी पर पड़ते हैं। सबसे पहला राज्य सरकार पर कि यदि हम वेट ज़्यादा है तो दूसरे राज्यों से लोग अपनी गाड़ी का फुल टैंक भरवाते हैं जिससे पेट्रोल डीजल की खपत कम होती है, तो राजस्थान की सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। दूसरा साइड इफेक्ट यह है कि पेट्रोल डीजल की खपत कम होती है तो कमाई पेट्रोल पंप संचालकों को कम होती है। और तीसरा साइड इफेक्ट यह है आम उपभोक्ताओं को, क्योंकि वेट ज़्यादा होने से उनकी जेब भी ज़्यादा ढीली होती है। राजस्थान जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर में 108 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिकता है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने आज सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे और कल सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक यानी कि 8-8 घंटे बंद का ऐलान किया, और इसके बाद सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो 15 तारीख से फुल टाइम यानी कि केवल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी वाहनों के अंदर ईंधन नहीं भरा जाएगा, यानी कि फुल टाइम हड़ताल यानी स्ट्राइक रहेगी। देखिए, भले ही कोरोना वायरस का खात्मा हो चुका हो, कम हो चुका हो, उसका खतरा कम हो चुका हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसे या कह सकते हैं कि मास्क जैसी अनिवार्यता खत्म कर दी है, लेकिन कोविड के समय जो वेट लगाया गया था वो समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। देखिए, हम पेट्रोल पंप पर हैं क्योंकि अब केवल 45 मिनट का समय बचा है। राजस्थान में 6712 पेट्रोल पंप है। सभी पेट्रोल पंपों पर पहले ही सार्वजनिक सूचना चस्पा कर दी गई थी कि 13 और 14 सितंबर को वेट ज्यादा होने से 10 से 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। देखिए, फायदा सभी को होगा, जनता को भी होगा। यहाँ पर सर आपका क्या नाम है? तिलक है? तिलक नाम है। कितने का पेट्रोल भराते हो? मैं 400-500 रुपये। आज ये पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल कर रहे हैं कि वेट कम किया जाए, इसमें फायदा तो आपका भी है। जी सर। तो हड़ताल ठीक है? सही है, हड़ताल तो होनी चाहिए, फायदा मिलेगा आपको। हाँ सर, फायदा मिलेगा। और भी लोगों से बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? सर आप सोनू हैं? सोनू। अच्छा सोनू जी, कितने का पेट्रोल भराते हैं प्रतिदिन? 250 रुपये। महंगाई है बिल्कुल। जो पेट्रोल पंप वाले बोल रहे हैं वेट कम होना चाहिए, कितना आप समर्थन करते हैं हड़ताल को? बिल्कुल करते हैं सर, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, फायदा आपको भी होगा? बिल्कुल, हमको पूरी जनता को फायदा होगा। जनता को फायदा होगा बिल्कुल। आप सर, आपकी क्या है? राजेंद्र सिंह मेरा नाम है। हाँ, तो क्या वेट कम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, रेट बहुत ज्यादा है पेट्रोल पंप का। तो पेट्रोल पंप संचालक की हड़ताल का समर्थन करते हो? बिल्कुल समर्थन करते हैं हम लोग। तो गाड़ी टैंक फुल करा लिया? नहीं कराया अभी तो, नहीं कराया, कहाँ कराया, इतने पैसे कहाँ है, कराएंगे। और भी लोगों से बातचीत करते हैं हमारे साथ, और भी हैं। आप क्या लगता है कि पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल कितनी सही है? पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल ठीक है, और ये वेट अभी इस समय अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। अगर ये अन्य जैसे पंजाब है इसकी तुलना में अगर ये उनके बराबर करते हैं तो आम जनता को राहत मिल सकेगी, आम जनता को राहत मिलेगी। और भी रिएक्शन लेते हैं देखिए, और पेट्रोल डीजल के दाम भी हम बता दें। क्या नाम है सर आपका?
आशीष कुमार। आशीष कुमार जी, कितने का पेट्रोल डलवाते हो प्रतिदिन? मैं टंकी फुल कराता हूँ जब भी कराता हूँ। अच्छा, कितने दिन चलता है? 15 दिन लगा। अच्छा, वेट कम हो जाए तो और ज्यादा तेज कम पैसा लगेगा और फुल टैंक होगा। यस यस। तो हड़ताल का समर्थन करते हो पेट्रोल पंप वालों की का, कि वेट कम होना चाहिए, वो मांग कर रहे हैं? हाँ हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं जो ऑफिस है। देखिए, हम रेट भी बता देते हैं, 108 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल के यहाँ पर दाम है। और कुछ देर में, हालांकि जो कंपनी के जो संचालित पेट्रोल पंप है वो पूरी तरीके से संचालित रहेंगे, लेकिन ऑफिस टाइम है, लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी लगातार पेट्रोल पंप से रिएक्शंस जो है वो हम तक पहुंचा रहे हैं, और जहां तक अब तक की तस्वीरें और रिएक्शंस सामने आए हैं। नहीं सर, 510 रुपए का भरवाया सर। 510 का चल जाएगा, एक दो दिन? 3 दिन चल जाता था। 3 दिन चल जाता है। देखिए, लोग हैं जो अपनी गाड़ी की टंकी है कुछ 500 रुपए का, कुछ 100 रुपए का, अपने जेब के हिसाब से यहाँ पर पेट्रोल डीजल है अपनी गाड़ियों के अंदर करवा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है, क्योंकि जून का वो महीना था कि जब सरकार से राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की वार्ता हुई और उसके बाद में कोई वार्ता नहीं हुई। तो राजस्थान में यदि पुराने जिलों के हिसाब से बात करें तो अलवर जिले को छोड़कर पूरे राजस्थान में पूरी तरीके से 6712 पेट्रोल पंप स्ट्राइक पर हैं। 10 बजे का समय रहेगा और अभी करीब बज चुके हैं 9:16, यानी कि 45 मिनट्स यहाँ पर रह गए हैं। लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है, और कल जिस तरीके से सूचना सार्वजनिक हुई उसके बाद आपने रात की तस्वीरें भी देखी, जिस तरीके से जो लोग हैं पेट्रोल पंपों पर पहुंचे, अपनी गाड़ियों को फुल टैंक कराए, क्योंकि भरोसा नहीं है, रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। सर, क्या नाम है आपका? आचार्य घनश्याम दास। अच्छा जी, तो आप तो क्या मानते हैं, वेट कम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब जब राजस्थान की जो सीमा है उसके उधर जो स्टेट है, लोग अब ये उसको चोरी कह दीजिए चाहे कुछ भी कह दीजिए, वहाँ 10-10 किलोमीटर जाकर के लोग पेट्रोल भरवा लाते हैं, तो दे अपने राजस्थान को नुकसान है ना। तो सोचना चाहिए सरकार को। पेट्रोलियम संचालकों की हड़ताल का समर्थन करते हो आप, कि वो वेट कम करने की मांग कर रहे हैं? भाई देखो, देश में सबको अधिकार है अपने अधिकारों का लेने का। अगर वो अपने अधिकार के लिए नहीं, नहीं फायदा तो आपको भी है, हमें फायदा तो होगा ही। वेट कम होगा तो वेट कम होगा तो ज्यादा होगी, तो राजस्थान सरकार को भी तो फायदा होगा। कंज्यूमिंग बढ़ेगी। तीनों एंगल है, सरकार भी है, आम जनता भी है, पेट्रोल पंप संचालक है, तीनों को फायदा होगा। तीनों को फायदा होगा, सरकार को सोचना चाहिए, पेट्रोल पंप कंपनियों को भी सोचना चाहिए, वो भी सरकार को निवेदन करे कि सरकार इस पर कदम उठाए। सबसे ज्यादा वेट है 31 फीसदी, तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, राजस्थान में शायद सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है दूसरे राज्यों की। जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, ठीक कहा है, देखिए राजस्थान में, पंजाब की यदि हम बात करें या गुजरात की बात करें या यूपी की बात करें या दिल्ली की बात करें या अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ की बात करें, क्योंकि पिछले 3 सालों का यदि आंकड़ा यदि देखा जाए तो करीब 270 से ज्यादा पेट्रोल पंप है वो बंद हो चुके हैं। देखिए सबसे बिल्कुल 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 दीपक, तो अन्य राज्यों के अगर कंपैरिजन में तुलना में देखा जाए तो राज्य में वेट ज्यादा है, उसकी वजह से पेट्रोल के दाम जो है वो अन्य राज्यों में ज्यादा, उसके मुकाबले यहां पर राजस्थान में ज्यादा है। तो ऐसे में वेट अगर कम हो जाता है तो जनता का भी फायदा होगा, पेट्रोल पंप संचालकों का भी और सरकार का भी फायदा होगा। चलिए, तो दीपक आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे, रिएक्शन हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम रिएक्शन के लिए, अपडेट्स के लिए।